इस तरह आप जीरा आलू सब्जी बनाइए, ये बहुत क्विकली और जल्दी भी बन जाता है। इसे रोटी और चावल के साथ खा सकते हैं, स्पेशली नाश्ते में पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हम इसमें 500 ग्राम छोटे आलू लिए हैं और इसे हम एक घंटा पहले ही उबाल के रखे थे। हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, हम उसमें 2-3 स्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून जीरा। हम ऐड करेंगे 2 हरी मिर्ची, 1 छोटा चम्मच ग्रेटेड जिंजर इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हींग और 1 छोटा चम्मच हल्दी भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसमें हम आलू डाल देते हैं। अभी हम आलू को मसाला में थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे। और इसमें हम ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। इस समय हम गैस को मीडियम हाई पर रखेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अभी देखिए हमारा आलू कितना गोल्डन और क्रिस्पी हो गया है। इसे और थोड़ी देर पकाएंगे और इसमें हम बाकी मसाला जो है वो ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड करते हैं धनिया पाउडर 1 बड़े चम्मच। इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची 1/2 टेबलस्पून। और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 छोटे चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर। और इसमें हम ऐड कर देते हैं 2 छोटे चम्मच कसूरी मेथी। इसमें हम ऐड कर देते हैं 1/2 छोटे चम्मच काली मिर्ची पाउडर। और ये 1/2 छोटे चम्मच गरम मसाला में इसमें ऐड कर देते हैं। और आखिरी हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। यह हमारा बनकर रेडी हो गया है जीरा आलू सब्जी। ये रेसिपी बहुत आसान है बनाने के लिए, आप ज़रूर घर पे इसे ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।